हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डीटीएच टिप्स यूट्यूब चैनल में। दोस्तों लास्ट टाइम हमने एक वीडियो डाला था A6 बॉक्स का, जिसमें मॉन्टेज का चिपसेट लगा है और इसमें 8 MB का सॉफ्टवेयर लगता है। तो दोस्तों यहाँ पे ऐसा ही इसका दूसरा एक मॉडल आता है A3, तो इसका अनबॉक्सिंग करके आपको दिखाऊंगा इसमें क्या क्या स्पेसिफिकेशन है इसके बारे में बताऊंगा, साथ में इसके सॉफ्टवेयर की जानकारी भी ये वीडियो में देने वाला। तो दोस्तों डब्बा आपको कुछ इस टाइप से दिखेगा, ऐसे तो दिखने में सेम टू सेम लगते हैं, थोड़ा मॉडल का अलग अलग फ़र्क है। तो दोस्तों यहाँ पे ये है A6, इसका भी वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, अगर आपको इसका वीडियो चाहिए तो भी मिल जाएगा। और ये है A3। दोस्तों यहाँ पे आपको इसमें वाईफाई मिल जाएगा, यूट्यूब इसमें वर्किंग है, फिर मोबाइल इंटरनेट है, फ्री टू एयर बॉक्स है, DLNA है, Set to IP है, फिर इसमें आप मोबाइल चार्ज कर सकते हो, 12 वोल्ट से चलता है। और इसमें क्या क्या आता है वो सारा सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। इसमें हम साइड में देखेंगे तो यहाँ पे इसमें मेन फीचर लिखे हुए हैं कि इसमें डाइसेक्स भी सपोर्ट करता है, इसमें चैनल की कैपेसिटी 4000 है, ये सारी डिटेल यहाँ पे आपको मिल जाएगी, अगर आप चाहे तो इसको पोज करके भी पढ़ सकते हो। फिर इस साइड हम देखेंगे तो आपको इस प्रकार का इंटरफेस मिलेगा, और यहाँ पे इस साइड में देखेंगे तो आप इसमें डिस्क्लेमर आपको नज़र में आएगा। तो दोस्तों यहाँ पे हम डब्बे को ना देखते हुए फटाफट इसको ओपन करते हैं और देखते हैं कि इसमें हमें कैसा डब्बा देखने को मिलता है। तो इस टाइप से डब्बा ओपन हो जाता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे तो यहाँ पे दोस्तों CND का आपको एक एडाप्टर मिल जाता है, 12 वोल्ट और 1 एम्पियर का साथ में आपको एडाप्टर मिल जाता है। इसकी केबल है वो भी काफ़ी अच्छा नज़र में मुझे आ रहा है। फिर दोस्तों हम आगे बात करेंगे इसमें, तो दोस्तों यहाँ पे इस टाइप का आपको इसमें रिमोट मिल जाएगा, तो यहाँ पे मैं आपको रिमोट भी दिखा देता हूँ। तो शानदार वाइट लुक में आपको इसमें रिमोट मिल जाता है, और यहाँ पे रिमोट का लुक इस टाइप का है। और इसमें हम बैटरी की बात करें तो इसमें AAA साइज की 2 बैटरी लग जाती है। तो ये है इसका रिमोट A3 का, इसमें मॉन्टेज का 8 MB का सॉफ्टवेयर लग जाता है और आप इसमें बहुत कुछ कर सकते हो, बहुत ही शानदार बॉक्स है। फिर दोस्तों हम इसमें आगे देखेंगे तो यहाँ पे आपको ऑडियो वीडियो केबल मिल जाएगा, तो ऑडियो वीडियो केबल की क्वालिटी ठीक ठाक है, गोल्ड प्लेटेड इसमें ऑडियो वीडियो केबल मिल जाता है, लेकिन यहाँ पे ओरिजिनल जो कंपनी का होता है ऐसा इसमें ऑडियो वीडियो केबल मुझे नज़र में आ रहा है। तो यहाँ पे हमें मिला एक रिमोट एडाप्टर ऑडियो वीडियो केबल, और हम दोस्तों हम देखेंगे लास्ट में तो हमें क्या मिलता है। तो यहाँ पे डब्बा मिल जाता है, तो हम डब्बे को कर लेते हैं ओपन। तो दोस्तों डब्बे के साथ आपको एक यूज़र मैनुअल मिल जाता है, तो ये डब्बे का यूज़ आपको कैसे करना है इसके बारे में आपको डिटेल में बताया गया है, मेरे ख्याल से इसको आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों ये है फाइनल हमारा A3 डब्बा, A3 HD रिसीवर ऐसा इसमें लिखा है, Full HD बॉक्स है, इसमें 4G सपोर्ट है, वाईफाई है, DLNA Set to IP है, यानी कि आप अपना मोबाइल इसमें कास्ट कर सकते हो, साथ में TV चैनल भी मोबाइल में कास्ट कर सकते हो। USB के 2 सॉकेट आपको इसमें मिल जाएंगे, YouTube है, और यहाँ पे MPG4 ऐसा लिखा है। लुक तो बहुत ही शानदार लग रहा है, ऊपर बड़े अक्षर में A3 HD रिसीवर ऐसा आपको नज़र में आएगा। दोस्तों यहाँ पे इस साइड हम देखेंगे तो यहाँ पे कुछ बटन दिए हैं, जैसे कि C चैनल माइनस, चैनल प्लस, वॉल्यूम प्लस, वॉल्यूम माइनस और पावर का बटन यहाँ पे आपको मिल जाएगा। USB का एक सॉकेट आपको यहाँ पे मिल जाता है, प्लास्टिक बॉडी में है लेकिन मजबूत बॉडी है। और यहाँ पे साइड में आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको वेंटिलेशन मिल जाएगा, पीछे आपको वेंटिलेशन मिल जाएगा, यहाँ पे कार्ड का सॉकेट दिया है लेकिन काम नहीं करता, फिर साइड में भी आपको वेंटिलेशन मिल जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे वारंटी सील दिया हुआ है, और यहाँ पे जो एंटीना का केबल होता है आपका वो आपको यहाँ पे अटैच करना होता है। इसमें आप एंटीना लगा के बहुत सारे चैनल देख सकते हो, एक फ्री टू एयर डब्बा, इसके अलावा भी आप बहुत कुछ कर सकते हो। यहाँ पे USB का दूसरा सॉकेट आपको यहाँ पे मिल जाएगा, अगर आपके पास बड़ा TV है, HD TV है, तो इसमें आप HDMI केबल लगा के शानदार पिक्चर क्वालिटी का मज़ा ले सकते हो। इसमें Full HD वीडियो सपोर्ट करते हैं, साथ में Full HD चैनल भी सपोर्ट करते हैं। इसके बाद हम देखेंगे तो यहाँ पे ऑडियो वीडियो सॉकेट दिया हुआ है, तो दोस्तों यहाँ पे जो CRT TV में लगाने के लिए यहाँ पे ऑडियो वीडियो केबल दिए हुए हैं, तो ये केबल से आपके CRT TV में लग जाएगा और 12 वोल्ट DC से बॉक्स चलता है। तो दोस्तों यहाँ पे शानदार लुक में हमें ये बॉक्स मिल रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं इसको TV के साथ कनेक्ट करके दिखाता हूँ कि इसमें क्या क्या स्पेसिफिकेशन मिलते हैं। और दोस्तों यहाँ पे इसके सॉफ्टवेयर की जानकारी चाहिए, इसमें आप बहुत सारे सॉफ्टवेयर कर सकते हो, 8 MB वाले, 4 MB वाले,
तो यहाँ पे इसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप वीडियो देख के इसमें सॉफ्टवेयर कर सकते हो यूएसबी से। तो दोस्तों यहाँ पे हम डब्बे को फटाफट लगा देते हैं टीवी के सामने और यहाँ पे दिखा देता हूँ कि इसका मेनू का इंटरफेस कैसा है। तो दोस्तों यहाँ पे हमने A3 बॉक्स को टीवी के साथ कनेक्ट कर लिया है। तो दोस्तों जैसे ही आप बॉक्स ऑन करेंगे तो आपको A3 HD रिसीवर का आपको लोगो नज़र में आएगा। तो यहाँ पे मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ। तो दोस्तों A3 HD MPG 4 वाईफाई ऐसा लिख के आ रहा है, इसका ये मेन लोगो है। और यहाँ पे मैं इसका मेनू का इंटरफेस आपको दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले आप मेनू प्रेस करेंगे तो आपको इस प्रकार का इंटरफेस नज़र में आएगा, जिसमें आपको सबसे पहले चैनल लिस्ट मिल जाएगा, जिसमें आपको टीवी चैनल लिस्ट, रेडियो चैनल लिस्ट, टाइमर सेटिंग, डिलीट ऑल और TS रिकॉर्ड का ऑप्शन मिल जाएगा। दोस्तों हम दूसरे ऑप्शन की बात करते हैं, यहाँ पे आपको दूसरा नेटवर्क मिल जाएगा, जिसमें आप 5370 या 7601 से इसमें इंटरनेट कनेक्ट कर सकते हो। और यहाँ पे आप इसमें 9878 कोड करेंगे तो इसका एक्सेस कंट्रोल ओपन होगा, लेकिन इसके लिए आपको इंटरनेट कनेक्ट करना पड़ेगा। फिर दोस्तों दूसरा ऑप्शन है यहाँ पे सिस्टम, तो यहाँ पे सिस्टम में आपको लैंग्वेज मिल जाएगा, जहाँ पे आप मेनू का लैंग्वेज चेंज कर सकते हो और ऑडियो का लैंग्वेज चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पे ये है लैंग्वेज का ऑप्शन। फिर दोस्तों दूसरा ऑप्शन आपको मिलेगा AV सेटिंग, तो यहाँ पे आपको AV सेटिंग में ये सारा सिस्टम मिल जाएगा। फुल HD रिसीवर इसमें 1920x1080 रेजोल्यूशन सपोर्ट करता है, साथ में ये EAC3 सपोर्ट करता है, ओरिजिनल EAC3 ऑडियो सपोर्ट करता है। इसके लिए आपको इसमें अलग से सॉफ्टवेयर करना पड़ेगा। अगर आपको सॉफ्टवेयर करना है तो इसकी लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, आप वहाँ से देख कर USB से इसमें सॉफ्टवेयर भी अपडेट कर सकते हैं। दोस्तों दूसरा ऑप्शन है लोकल टाइमर सेटिंग, पेरेंटल कंट्रोल, OSP सेटिंग, फेवरेट, ये सारे सिस्टम आपको सिस्टम में मिल जाएगी। फिर दोस्तों यहाँ पे हम आगे जाएंगे तो यहाँ पे आपको इंस्टॉलेशन मिल जाएगा, जिसमें आपको सैटेलाइट लिस्ट, तो दोस्तों यहाँ सैटेलाइट लिस्ट में आप जाएंगे तो कोई भी सैटेलाइट ऐड करना है, एडिट करना है, डिलीट करना है, स्कैन करना है या फिर मूव करना है, सारे सिस्टम आपको यहाँ पे मिल जाएगी। कोई भी सैटेलाइट को स्कैन करना है, ऑटो स्कैन, ब्लाइंड स्कैन, वो सारे सिस्टम आपको यहाँ पे मिल जाएगी। जो एंटीना रिलेटेड जो चीज़ें होती है वो सारे सिस्टम आपको यहाँ पे मिल जाएगी। दूसरा ऑप्शन है यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन, तो यहाँ पे मैं इसका इन्फॉर्मेशन दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे इसमें मॉन्टेज का 8 MB का सॉफ्टवेयर लगता है, तो यहाँ पे इसका सिस्टम इन्फॉर्मेशन है। फिर दोस्तों हम आगे जाएंगे तो फैक्टर रिसेट का ऑप्शन मिलेगा और लास्ट में आपको गेम का ऑप्शन भी मिल जाएगा। इसके अलावा इसमें आप USB से अपडेट और बैकअप भी ले सकते हो, जब आप इसमें पेन ड्राइव अटैच करेंगे तभी ये ऑप्शन शो होंगे। इसके बाद हम देखेंगे तो यहाँ पे दोबारा आ गया चैनल लिस्ट। तो दोस्तों यहाँ पे बिल्कुल सिंपल सा मेनू है, जो 2100 प्रो ओल्ड वाला मॉडल था इसमें जो मेनू था सेम वैसा ही मेनू है। दोस्तों इसमें आप बहुत सारे सॉफ्टवेयर कर सकते हो USB से, क्योंकि इसमें मॉन्टेज का चिपसेट लगा है। और दोस्तों इसके सॉफ्टवेयर चाहिए तो इसकी लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, हमारा दूसरा चैनल है जहाँ पे आपको इसका सॉफ्टवेयर का इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। दोस्तों मुझे आशा है कि हमारा ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। दोस्तों वीडियो पसंद आया प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और दोस्तों चैनल पे नए मेहमान हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।